अभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान जो हैं, यूं तो हर वक्त ही चर्चा का कारण बने रहते हैं। भाई सलमान खान की फिल्म अगर भारत की बात करें तो ये फिल्म भी काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो वहीं इसी बीच सलमान खान तो अपनी खुशी को जाहिर करते देखे गए, मगर इस खुशी में कैटरीना को लेकर सलमान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे यकीनन जानने के बाद आप सभी हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार सलमान खान ऐसा कैसे बोल सकते हैं। भाई सलमान और कैटरीना का ये जो रिश्ता है वो किसी से छुपा तो नहीं है, प्यार मोहब्बत की कहानियां तो अक्सर देखी जाती हैं और यहाँ पर इनकी अंडरस्टैंडिंग की तारीफ भी होती है। अब ऐसे में सलमान खान मैडम कैटरीना के लिए ये क्या कुछ कह गए, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, भाई सलमान खान और कैटरीना की फिल्म सारे रिकॉर्ड को एक के बाद एक तोड़ रही है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि भाई फिल्म भारत 200 करोड़ के क्लब में बस अब शामिल हो ही गई। ऐसे में सलमान खान जहाँ पर अपनी खुशी को जाहिर करते देखे गए तो वहीं उन्होंने कैटरीना को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया। जी हाँ, आपको बता दें कि ये लम्हे सलमान और कैटरीना के लिए काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि यकीनन ही यहाँ पर सलमान खान जो हैं अपनी इस फिल्म के बाद जिस तरीके की कलेक्शन को सोच रहे थे वो कलेक्शन भी यहाँ पर अब उन्हें हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान ने भारत की सफलता से खुश होकर कुछ मिठाइयाँ खा ली, जबकि आम तौर पर अपनी स्ट्रिक्ट डाइट के चलते वो ऐसा नहीं करते। साल की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनने के बाद फिल्म भारत 200 करोड़ की कमाई तक रुक कर रही है। हालांकि सलमान ने ये भी कहा है कि भारत भले ही उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म हो, लेकिन कैटरीना कैफ के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म ये नहीं है। हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि दर्शकों को भारत की सफलता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और कैटरीना कैफ को भी ये व्यंग करता हूं कि भले ही मेरे करियर की ये सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म हो, इसमें मेरे साथ कैटरीना थी, लेकिन कैटरीना के करियर की सबसे बड़ी फिल्म कोई और ही है। कैटरीना ने कहा कि जाहिर है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन फिल्म का हिट होना भी जरूरी होता है। ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर सलमान और कैटरीना के बीच की ये खींचातानी ये साफ तौर पर झलकाती गई कि सलमान को इस बात का अफसोस तो है कि कैटरीना की करियर में जो यहाँ पर इतनी बड़ी ओपनिंग कमाने वाली फिल्म रही वो फिल्म में सलमान नहीं थे, मगर सलमान की सबसे बड़ी ओपनिंग कमाने वाली फिल्म में कैटरीना उनके साथ देखी जा रही है। गौरतलब है कि सलमान की फिल्म भारत ने अपनी रिलीज के पहले दिन ही 42.3 करोड़ से अधिक कमाए थे। इस फिल्म के साथ ही सलमान ने अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन लगभग 40 करोड़ की कमाई की। हालांकि सलमान की भारत आमिर की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई। आमिर अमिताभ और फातिमा सना शेख की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने अपनी रिलीज के पहले दिन ही 50 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म ने हालांकि खराब माउथ पब्लिसिटी के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया था, तो वहीं सलमान की भारत बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमान को मजबूत कर रही है और ये फिल्म काफ़ी अच्छा कलेक्शन करती भी देखी जा रही है। और यहाँ पर बातों ही बातों में साफ तौर पर सलमान ये कह रहे हैं कि भाई कैटरीना की लाइफ की ये कोई रिकॉर्ड तोड़ फिल्म नहीं है, हालांकि मेरी लाइफ की ये एक रिकॉर्ड तोड़ फिल्म है। अब ऐसे में देखना होगा कि सलमान को इस बात का अफसोस तो हो गया, मगर क्या अब सलमान और कैटरीना अपनी शादी का ऐलान करेंगे या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। यकीनन देखा आपने कि किस तरीके से सलमान खान जो हैं भाई कैटरीना को ये कह रहे हैं कि मेरी फिल्मों ने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, मगर मैडम कैटरीना अभी अपने रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। यानी कि साथ काम करना, ये खींचातानी का चलना, खींचातानी के बीच जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से भाई सलमान खान और मैडम कैटरीना के बीच की ये जो बढ़ती दूरियां हैं अब नजदीकियों में तब्दील हो रही है। खैर, हम तो यही चाहते हैं कि ये मौज और मस्ती यूं ही चलती रहे, सलमान और कैटरीना जो हैं ऐसे ही भाई एक दूसरे के साथ मजे करते रहें। तो चलिए यहाँ पर अब हम यही कहेंगे कि आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये मौज और मस्ती किसी रिश्ते में तब्दील होगी
या फिर बी टाउन इंडस्ट्री की तरह ही इन इस कपल का प्यार भी डेटिंग के थ्रू ही बस सामने आएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।